जी बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक बिलोंग्स टू क्लोनिंग। और ये जो क्लोनिंग है इसमें हमने जो है वो अब देखना है कि जो क्लोनिंग है वो कैसे होती है और क्लोनिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो आज क्लोनिंग का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो जरूरी है कि क्लोनिंग होती क्या है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि द वर्ड क्लोन इसका क्या मतलब है। जो क्लोन का वर्ड है इसका मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपी। आइडेंटिकल कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी मीन्स के कोई भी आप जब भी आप किसी चीज का कोई जो है वो रेप्लिका बनाते हैं, रेप्लिका, तो उस रेप्लिका को आप जो है वो क्लोन कहते हैं। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी रेप्लिका क्या होता है। कोई भी रेप्लिका अपने किसी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है, तो आप इसका मतलब है इसको क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि क्लोन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी एग्जैक्ट कॉपी है। तो अब यहां पर जो एग्जैक्ट कॉपी वाला मामला है वो कैसे होता है, देखिए। अब यहां से अब हम जो है वो क्लोनिंग की टाइप्स देखेंगे। क्लोनिंग जो है वो दो अंदाज से होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक क्लोनिंग। जेनेटिक क्लोनिंग कौन सी है? जेनेटिक क्लोनिंग वो है जिसमें जो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, यानी कि जिसमें आप क्या करते हैं, आप जीन की कॉपीज बनाते हैं। जी बेटा, आप लोगों ने पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? क्या बनाया करते थे आप? फाइनल ऑर्गेनिज्म को क्या कहते थे? जीएमओ जीएमओ। ठीक है, फाइनल ऑर्गेनिज्म को हम जीएमओ कहा करते थे। और दूसरी जो क्लोनिंग है वो कहलाती है ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। ये ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग होती है। ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग कौन सी होती है? जिसमें हम क्लोन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लोन बनाते हैं, यानी उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म चाहे कोई एनिमल हो, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, देखें क्लोन किसी का भी बन सकता है। क्लोन जो है वो एनिमल का भी बन सकता है, क्लोन जो है वो प्लांट का भी बन सकता है और बन रहे हैं आजकल। इसी तरीके से क्लोन जो है वो बैक्टीरिया का भी बन सकता है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा जब आपने लास्ट टाइम पढ़ा था क्लोनिंग वाला टॉपिक, ये मेरे ख्याल रेड रख ही दें, जब आपने लास्ट टाइम क्लोनिंग वाला, सॉरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या कहा था कि बैक्टीरिया डिवाइड होता है बाइनरी फिशन के जरिए। 10th में आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए दो में डिवाइड होता है। अब ये जो बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए दो में डिवाइड होता है, ये भी क्या है? क्योंकि ये तो दोनों बनने वाले हैं जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो दोनों बनने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है और दो में डिवाइड हो जाता है तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है? वो भी क्लोनिंग की ही एक शक्ल होती है, लेकिन आप उसको क्या कह देते हैं, आप उसको कह देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब ये जो चीज है ये भी जानने वाली है क्या भला, कि क्लोनिंग इज जस्ट लाइक, ये मैं आपको सेंटेंस लिखकर देने लगा हूं, इस सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। सेंटेंस है क्लोनिंग इज जस्ट लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग बिल्कुल ऐसे है जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। कैसे? ये अब आपको जो है वो इसका आंसर अगर आप दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि क्लोनिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह की चीज है। जी, इसका आंसर कोई करेगा? क्योंकि उसमें डॉटर की एग्जैक्ट कॉपी होती है क्लोनिंग और रिसेप्शन दोनों में। तो अगले बनने वाला ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है। दैट इज वाई क्लोनिंग जस्ट लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह की चीज है। जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्ट कॉपी है। ठीक है, सो अब इसको हम देखते हैं कि बनने वाला ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी कैसे होता है। सो इसको जब हम एक दफा जो है वो अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि क्लोनिंग का फिनोमिना कैसे फॉलो होता है। क्लोनिंग का फिनोमिना जो है वो उसमें होता ये है कि सबसे पहले आपने कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना होता है जो आइडियल हो। मतलब आप यूं समझ लें कि टारगेट ऑर्गेनिज्म है। अब ये टारगेट ऑर्गेनिज्म के फीचर क्या होते हैं? देखें, या तो टारगेट ऑर्गेनिज्म हो जीएमओ,
जीएमओ का क्या मतलब है कि इसका जीन आपने मॉडिफाई किया हुआ है। आप चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन मॉडिफाई करें और उसकी काफी ज्यादा कॉपीज बना लें। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म को आपने मॉडिफाई किया और उसकी जनाब धड़ाधड़ कॉपीज बना लें। ओके, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप बड़ा पसंद आया हो। जेनेटिक मेकअप से क्या मुराद है, एक कोई ऐसी बफेलो है जो दूध ज्यादा देती है, कोई ऐसा बाइसन है जो मीट बहुत ज्यादा देता है। इस तरह के डिफरेंट चीजें जो हैं वो हम देखते हैं। जब आप ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको जब जेनेटिक मेकअप पसंद आता है, तो आप चाहते हैं, जो आपका टारगेट होता है, जरा सुनिएगा गौर से, आपका टारगेट ये होता है कि सिलेक्टेड जेनेटिक मेकअप शुड प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का क्या मतलब है कि वो आगे से आगे बढ़े, अगली नस्लों में जाए। जो सिलेक्टिव जेनेटिक मेकअप है वो आगे से आगे बढ़ना चाहिए, अगली नस्लों में जाना चाहिए। मतलब ये कि आप क्या, आप देखें ना, जो चले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक जो है वो न्यूबॉर्न काउ है। न्यूबॉर्न काउ जो होती है उसमें एक होती है बफेलो और एक हम कहते हैं इसका जो मेल क्या होता है, इसका इसका मेल क्या होता है, बहरहाल इसको, हाँ बिल्कुल शाबाश, ऑक्स, ठीक है, ऑक्स और बफेलो, ठीक है, इनको जो है वो आप कहते हैं, ये वैसे बनता नहीं है, ये एक्चुअली इसका जो जो भी इसका कब बनता है उसको छोड़ दें फिलहाल। जो हमारा समझने वाली बात है वो ये, वो क्या है, वो ये है, फर्ज करें जेनेटिक मेकअप था बफेलो का आइडियल, आपको ऑक्स का जेनेटिक मेकअप पसंद नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये न्यूली बॉर्न काउ बनेगी तो इसके अंदर दोनों होंगे, आइडियल प्लस नॉन आइडियल। मतलब आप चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म हो जो क्या हो, जो कंप्लीटली आइडियल हो, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जनाब के उसकी कोई मिसाल ही ना मिले, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया जाए जो कंप्लीटली आइडियल हो। ऐसे काम के लिए फिर आप क्या करते हैं, ऐसे काम के लिए फिर आप क्लोनिंग का सहारा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब आते हैं वापस इस सारी बात के ऊपर कि जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है, जी बच्चे, हमें अब ये सारी बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है, हमें टारगेट ऑर्गेनिज्म से क्या चाहिए? टारगेट ऑर्गेनिज्म से हमारी डिमांड क्या है, क्या चाहिए हमें, क्या मिल जाए तो हम मजीद उस जैसे बना सकते हैं? सॉरी, क्या कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक्चुअली उससे सिर्फ क्या चाहिए, आपको उससे चाहिए कंप्लीट जेनेटिक मेकअप। आप उससे जो है वो कंप्लीट जेनेटिक मेकअप आप उससे चाहते हैं, और जेनेटिक मेकअप कंप्लीटली लेने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कहां से कंप्लीट जेनेटिक मेकअप मिल जाएगा, बॉडी के किस हिस्से से? जी, आपका आंसर बहुत ही स्पेसिफिक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत सही आंसर आपने किया है। हमारी बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स को दूसरे अल्फाज में कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कौन से हैं वैसे? ये हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। हमें इस ऑर्गेनिज्म से, यानी जिसका हमें जेनेटिक मेकअप चाहिए, जिस ऑर्गेनिज्म को हमने सिलेक्ट कर लिया, जिस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप उसके बच्चों में हम लाना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ उससे क्या डिमांड है कि भाई हमें जो स्टेम सेल है वो दो, और स्टेम सेल का भी क्या निकाल कर दे दो, बस सिर्फ न्यूक्लियस, बाकी हमें गर्ज नहीं है, ठीक है, बाकी तुम सब कुछ अपने पास रखो, हमें सिर्फ न्यूक्लियस निकाल कर दे दो, और वो जो न्यूक्लियस है हम उसके जरिए नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या चाहिए? जी बेटा, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, अब जरा देखिएगा, नया ऑर्गेनिज्म तब बनता है जब स्पर्म और एग जो है उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, और क्या बनता है? जायगोट। तो अगर आपने नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो
आपको तो एग की जरूरत पड़ेगी, एग की जरूरत। जब तक एग अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप नया ऑर्गेनिज्म बना ही नहीं सकते। आपका ये न्यूक्लियस किस काम का भाई? जब तक आप एक न्यूक्लियस को एग में नहीं रखेंगे उससे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, ये बात यहां खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म चाहिए, टारगेट ऑर्गेनिज्म, तो दूसरा आपको कौन सा जो ऑर्गेनिज्म चाहिए जो क्या हो, डोनर ऑफ एग, जो एग का डोनर हो, जो एग डोनेट कर सकता हो या जिससे हम एग ले रहे हो। हमें ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जिससे हम एग ले रहे हो, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म आ गए, एक आ गया जिसका जेनेटिक मेकअप प्रोपेगेट करना है, दूसरा आ गया जिससे हमने एग लेना है। और एग भी लाजिमन कौन सा लेना है, एग भी हमने लेना है फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड एग नहीं लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर ब्रीडिंग हुई, जो एग है वो फर्टिलाइज हुआ, अब हम वो एग उठा लेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये हमें दे देगा एग। अच्छा, अब अगली बात आ गई कि क्या न्यूक्लियस में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके फौरन बाद मैंने क्या बताया आपको, क्या बनता है, जायगोट। जायगोट में भी तो न्यूक्लियस होता है, तो अब क्या करेंगे। अब आइए इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं, आपके इस सवाल का जवाब भी जो है वो यहां से मिल जाएगा। जरा सुनिएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, हमने बेस बना ली है, अब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जरा सुनिएगा जी। एक है टारगेट जेनेटिक मटेरियल, एक टारगेट जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा जी, टारगेट जेनेटिक मटेरियल से आपने क्या ले लिया, ये सेल था, अल्लाह हाफिज, इसको भी अल्लाह हाफिज हो गया जी, ये सेल था, इसमें से आपने क्या डिस्कार्ड कर दिया, सेल को डिस्कार्ड कर दिया और क्या निकाल लिया, न्यूक्लियस निकाल लिया, ये आपका टारगेट जेनेटिक मटेरियल था। दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, डोनर, और डोनर हमें क्या दे रहा है, एग, फर्टिलाइज्ड एग। अब ये जो एग है इसके पास क्या क्या कुछ है, एग के पास भी जाइगोट है जिसका न्यूक्लियस है और एग की बाउंड्री है, ठीक है, ये एग की बाउंड्री है। अब इसमें से क्या चाहिए हमें, न्यूक्लियस, इसमें से भी न्यूक्लियस चाहिए जी। बच्चे बेटा, इसमें से हमें क्या चाहिए, इसमें से हम न्यूक्लियस को कर देंगे डिस्कार्ड और जो एग होगा वो हम ले लेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस उस ऑर्गेनिज्म का लिया जाएगा जिसकी तरह का ऑर्गेनिज्म बनाना मकसूद है, और एग उससे लिया जाएगा जिसकी तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं बनाना, बल्कि एग जस्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मटेरियल है जिसके जरिए यह वाला जेनेटिक मटेरियल अगली नस्ल में जाएगा। सो आप देख लीजिए, इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को जब आप मिला देंगे सो नाउ दिस इज एन एग, ये न्यूक्लियस जो है ये टारगेट ऑर्गेनिज्म था, ये एग है, और इस एग के अंदर अब आपके पास जो है वो एक अदद न्यूक्लियस मौजूद है। और ये न्यूक्लियस कौन सा है आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ये न्यूक्लियस किस ऑर्गेनिज्म का है जी बेटा, जिसके न्यूक्लियस की कॉपी चाहिए। जाहिर है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा आइडियल ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे वूम्ब में, ये तो जरूरी है क्योंकि एग ने डिवेलप होना ही वूम्ब में है, तो हम इसको वूम्ब में ट्रांसफर करेंगे, वूम्ब से ये पूरा जो है वो इंडिविजुअल बन के गेस्टेशन पीरियड के बाद बाहर आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें बेसिकली दो चीजें चाहिए, नंबर वन जेनेटिक मटेरियल ऑफ आइडियल ऑर्गेनिज्म, और नंबर टू ये जो होता है एग, एग, ये दोनों जो है वो हमें जब अवेलेबल होंगे तो हम क्लोन बना सकते हैं किसका, उस ऑर्गेनिज्म का जिसका जेनेटिक मटेरियल आइडियल है, वो चाहे जीएमओ है चाहे वो कोई और है, ठीक है, जिसका जेनेटिक मटेरियल आइडियल है हम उसका जो है वो बना लेंगे, क्लोन बना लेंगे। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल और पैदा होता है जी बच्चे, यहां तक आपको क्लियर हो गया तो जरा जल्दी से जो है वो मुझे बता दें, और अगर जो है वो अपना आपको कोई क्वेश्चन है तो भी बता दें जल्दी से, हरी आप।
अच्छा जी चलें आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस वूम्ब से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ तो ऑर्गेनिज्म कितने बनेंगे? एक एक ऑर्गेनिज्म बन रहा। हम कहते हैं यार कोई ऐसा तरीका हो कि हमें क्लोनिंग भी करें, यानी चौपड़ियां और वो भी दो दो, कि क्लोनिंग भी करो और ऑर्गेनिज्म एक ना मिले बल्कि तीन चार मिल जाए, दो तीन चार मिल जाए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनिज्म एक ना मिले बल्कि दो तीन चार पांच ऑर्गेनिज्म मिल जाए और वो सब के सब क्या हो, वो सब के सब क्लोन्स हो, उन सब का जेनेटिक मटेरियल वही हो जो हमारे टारगेट ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वो मेथड देखने लगे हैं जिसमें हम एक के बजाय तीन चार क्लोन इंडिविजुअल हासिल कर सकते हैं। जी बेटा, अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या है कि हमारे पास एक ये एग है और इस एग के अंदर है हमारे पास जाइगोट, और ये जाइगोट किसका है, ये टारगेट ऑर्गेनिज्म का है। यहां तक तो आपको मेरे साथ ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब आइए, इसके बाद होती है एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसमें होती है, जाइगोट में। ये है जाइगोट, अब मैं ये जो बना रहा हूं दिस इज अ जाइगोट। बच्चे जब जाइगोट में डेवलपमेंट होती है ना, जब जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, ये अभी कितने सेल है जाइगोट के, कितने सेल होते हैं? जी बेटा, जाइगोट के कितने सेल होते हैं? एक एक जाइगोट का सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब है अब आगे क्या शुरू होनी है, माइटोसिस। ऑर्गेनिज्म ने जब डेवलप होना है, तो आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में माइटोसिस पढ़ी हुई है और उसमें आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जो माइटोसिस है उसकी सिग्निफिकेंस में क्या है कि जब डेवलपमेंट होती है तो उसके दौरान सारी डिवीजन कौन सी होती है, मियोसिस कहीं नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, माइटोसिस होती है। सो ये माइटोसिस अब यहां पर होगी। जब माइटोसिस शुरू होगी ना, तो ये ऑर्गेनिज्म, ये जाइगोट बीच में से डिवाइड होना शुरू होगा। ये जाइगोट जब बीच में से डिवाइड होना शुरू होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। यानी जाइगोट में माइटोसिस स्टार्ट हुई और क्लीवेज कब आती है, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। जी बेटा, जब ये सेल दो में डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइटोसिस का आखिरी प्रोसेस कौन सा होता है? हाँ जी, सेल दो में किस प्रोसेस के जरिए डिवाइड होता है? हाय हाय, सेल दो में जिस प्रोसेस के जरिए डिवाइड होता है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के जरिए डिवाइड होता है। अब क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस पॉसिबल होते हैं। देखिए इसमें माइटोसिस हुई, साइटोकाइनेसिस आधी हो गई है, अभी पूरी नहीं हुई। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो आधी साइटोकाइनेसिस हुई है ना, इसके दौरान एक और साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है। अगर ये प्रोसेस हो जाए तो कितने इंडिविजुअल बनते हैं, सिर्फ एक। ये अब आपके समझने की बात नहीं है, आप सिर्फ इसको इतना समझें कि अगर एक क्लीवेज हो रही है, एक साइटोकाइनेसिस हो रही है, उसके दौरान में दूसरी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में उस जाइगोट से, यानी उस एम्ब्रियो से कितने इंडिविजुअल बनेंगे, ऐसी सूरत में उस एम्ब्रियो से टोटल इंडिविजुअल बनेंगे एक। लेकिन अगर आप, यहां मैं पॉइंट लिखने लगा हूं, लेट द क्लीवेज गो कंप्लीट, लेट द क्लीवेज प्रोसेस कंप्लीट। अगर आप क्लीवेज के प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं तो अब क्या होगा, इधर देखिए गौर से, अब होगा ये कि क्लीवेज के प्रोसेस पूरे होने के बाद अगले सेट स्टेप पे क्या होगा, ये दोनों सेल्स अलग हो जाएंगे, एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया। गौर कीजिएगा, जब क्लीवेज हो रही होती है तो कितने न्यूक्लियाई होते हैं, एक न्यूक्लियस इधर होता है, एक न्यूक्लियस इधर होता है। इधर भी क्या है, एक न्यूक्लियस इधर है, एक न्यूक्लियस इधर है। आपने क्लीवेज पूरी होने दी, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर। अब जब ये दोनों अलहदा हो जाएंगे, हाँ जी, अब इससे अलग इंडिविजुअल बनेगा, इससे अलग इंडिविजुअल बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ
कि अगर आप इस सेल को कंप्लीट क्लीव हो लेने दें तो क्या बन जाएंगे, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, ट्विंस बनते हैं ना, ट्विंस, ट्विंस ऐसे ही बनते हैं, मैं ट्विंस का पूछ रहा हूं आपसे, अगर ये क्लीवेज कंप्लीट हो जाए तो ट्विन बन जाते हैं, ट्विन, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ह्यूमन में भी होता है, अगर ये क्लीवेज कंप्लीट हो जाए तो ट्विन बन जाते हैं, और अगर ये क्लीवेज कंप्लीट ना हो, बीच में से दूसरी क्लीवेज शुरू हो जाए तो एक बन जाता है, और अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ट्विन बन जाते हैं। और ट्विन का बेसिक रूल क्या है जी बेटा, जल्दी से बताइएगा, ट्विन का बेसिक रूल क्या है, कि उनका जेनेटिक मटेरियल जी बेटे सेम है कि नहीं है, ट्विंस का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, ट्विंस का जेनेटिक मटेरियल इसी वजह से सेम होता है कि ये जो क्लीवेज आई थी इसके दरमियान में दूसरी क्लीवेज नहीं आई बल्कि ये क्लीवेज पूरी हो गई, तो अब दो इंडिविजुअल बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने टारगेट ऑर्गेनिज्म से कितने क्लोन हासिल कर लिए, दो। अब अगर मैं इन्हीं को दोबारा इसी प्रोसेस से गुजारूं तो कितने इंडिविजुअल आ जाएंगे मेरे पास, फोर। फोर, हम एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते इसको ना, उसकी वजह ये होती है कि वूम में खास जगह होती है, उस जगह से ज्यादा इंडिविजुअल नहीं आ सकते। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म इस जगह पर रखेंगे ना, मतलब आपने अभी दो बना लिया, आपने चार बना लिया, चार के बाद जब आप ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ना, तो होता कुछ यूं है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसी को भी पूरे नहीं मिलते, तो बाज़ औक़ात एक या दो सरवाइव करते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि चार बना लें, चार काफी होंगे। तो इसी प्रोसेस के जरिए हम फिर तादाद भी बढ़ा सकते हैं क्लोन की। मतलब ये हुआ कि टारगेट ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि आपको एक ही हासिल हो, बल्कि आप एक से ज्यादा टारगेट ऑर्गेनिज्म भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है,